विराट कोहली, टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली, जिसमें थोड़ी सी अब ऐसा लग रहा है कि जंग लगी हुई है और उम्मीद हर कोई ये कर रहा है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर उतरेंगे तो वहां पे बीस्ट मोड ऑन कर लेंगे अपना। और वहां पे अब जो तस्वीरें निकल कर आई है वो बता रही है कि विराट कोहली यहाँ पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने ऋषभ पंत की कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी जब अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए थे, वहां से निकलते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि वो रवाना हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। आज मैं आपको बता दूं कि आज एक बैच, 10 नवंबर आज यहाँ तारीख है, आज एक बैच टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाला है, यानी कि यहाँ पर एक जो जत्था है वो उड़ान यहाँ पे भरने वाला है और उसके बाद एक जो बैच है वो कल जाएगा यहाँ पे। अब इस बैच की अगर बात करें, जो विजुअल्स निकल के आए हैं, जो चीजें निकल के आई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत, विराट कोहली एंड इवन रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो पहले बताया जा रहा था कि पर्थ टेस्ट मिस कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि नहीं, वो खेलेंगे। और पर्थ टेस्ट के और जो दूसरा टेस्ट मैच है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, अगर जरूरत पड़ती है, जो भी फैमिली रीजंस हैं, तो अगर जरूरत पड़ती है तो वो वापस आएंगे और फिर दोबारा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये रोहित के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन चीजें बदली है। जैसे सुनील गावस्कर ने एक चैनल पे बोला कि भाई अगर रोहित को आना है तो बाद में एज अ प्लेयर खेले, ऐसा कप्तान नहीं खेले। उसके बाद जो 6 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई उसके बाद चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही थी। और अब ये जो फैसला लिया है, अब जो अंदर खान ने फैसले हुए हैं, अगर आप देखें एरॉन फिंच जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई अगर वो एक उनको जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है रोहित के ऊपर, तो उनको वो भी निभानी चाहिए। और जो सुनील गावस्कर ने बोला उससे एरॉन फिंच डिसएग्री करते हैं, लेकिन इसमें एरॉन फिंच ने जो बोला वो बड़ी बात नहीं थी। इसके नीचे जो एक कमेंट आया उसने हर किसी की निगाहें अपनी तरफ खींच ली और वो कमेंट था ऋतिका सजदे का, यानी कि रोहित शर्मा की वाइफ का। उन्होंने सल्यूट का यहाँ पे एक इमोजी बनाया और कमेंट कर दिया वहां पे। अब हर कोई उस चीज को कनेक्ट कर रहा है कि भाई देखिए, ऑस्ट्रेलियन समझ रहे हैं दर्द रोहित शर्मा का, जो उनकी परेशानी है, जो फैमिली की नीड है, लेकिन शायद कुछ इंडियंस नहीं समझ रहे हैं या टीम इंडिया के जो बाकी मैनेजमेंट है वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि रोहित शर्मा को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, वो टीम के कप्तान है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कोई भी उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। बीसीसीआई ने हस्तक्षेप ये हो सकता है, ये बोला कि यार देख लो, इफ पॉसिबल तो चले जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। और रोहित शर्मा का ये खुद का फैसला होगा, और उससे ज्यादा अगर आप देखें रोहित शर्मा से ज्यादा तो फैमिली का ये फैसला होगा, फैमिली का ये सेक्रीफाइस है कि नहीं आप जाइए, देश को आपकी जरूरत है। क्योंकि हमने 2015 में देखा था जब महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वो पिता बने थे, वो नहीं गए थे, और उनको तो खबर भी यहाँ पे सुरेश रैना ने बताई थी, जब साक्षी उनको फोन करके बताया था सुरेश रैना को कि भाई आप बता दीजिएगा कि वो पिता बन गए, तो वो डेडिकेशन महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया था और वैसा ही डेडिकेशन अब रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वॉर चल रहा है कि भाई कुछ लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो हो जाता है कि पूरी पूरी सीरीज मिस कर देते हैं, लेकिन ये सब के अपने अपने इंडिविजुअल फैसले हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित शर्मा को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।